शॉपिंग कर लाए तुम दोनों। और क्या पुत्र, तेरे पास कितने कपड़े हैं, फिर मन नहीं भरता। इतना सामान जो खरीद के लाई है ना, ऐसे का ऐसे साइड में पड़ा रहेगा, पहनेगी भी नहीं। अरे वाह, क्यों नहीं पहनूंगी, सब पहनूंगी मैं। अच्छा एक बात बताओ परमीत पुत्र, तुम स्वीटी को वापस कब लेके जा रहे हो? बस चाय जी, एक बार मम्मी जी और पापा जी का गुस्सा कम हो जाए, देख लीजिएगा। अब उन्हें समझा बुझा कर मैं खुद स्वीटी को घर ले जाऊंगा। मोना तो पहले से अपने ससुराल में है, अब स्वीटी भी चली जाएगी। ये घर ना एकदम सुना सुना हो जाएगा। अब तेरे बीज दा ब्याह करा दो, बहू आ जाएगी ना तो मुझे भी ये रोज रोज के चूल्हे चौके से छुटकारा मिल जाएगा। अब तेरे बीर जी के लिए लड़की ढूंढ। चाय जी आप बोलो तो करण वीर जी के लिए लाइन लगा दूं। आपको पता नहीं है कॉलेज में वीर जी के ऊपर कितनी लड़कियां बना करती थी, पूछो ना। अब बोलो तो सही। हाँ सच, कौन है तेरी सहेली है क्या, पंजाबी है कि नहीं? अरे चाय जी आप भी किन की बातों में आ गए, छेड़ रही हो मुझे, कोई लड़की चड़की नहीं थी। अरे अरे सुन वीर जी, लड़कियाँ तो बहुत थी, बस आप ही भागते रहते थे। वैसे हेतल, जो भी तूने बातें मुझे बताई है ना, वो सारी मेरे करणवीर जी में। तो इसका मतलब तुझे करणवीर जी पसंद है? Of course not, भाभी। नहीं। Sorry हाँ। कोई गलती, तू चिंता ना कर। मैं अभी गई और पता लगा कराती हूँ कि करणवीर जी के दिल में क्या चल रहा है। हाँ? सच? हाँ। भाभी भाभी, प्लीज 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 ये बात भैया को नहीं बताएंगी ना? प्लीज नहीं बताऊंगी। माय गॉड, थैंक यू। अम्बा जी देखिए, मैं जानता हूं कि आप मुझसे नाराज हैं, लेकिन कम से कम एक बार ये तो जान लीजिए कि मैंने उस रिश्ते के लिए मना क्यों किया। एक बार मेरी बात तो सुनेंगी आप। इसी आवाज में सुनाएगा जो कहना है। तेरी आंखों का पानी मर गया है क्या? पीछे देख कौन कौन बैठे हैं। बापू जी भी है और सबके सामने तू इस तरफ। बेटा अपनी अम्बा जी और फुई की बातों का बुरा मत मान, ये समझ नहीं रहा है, लेकिन मैं समझता हूँ कि तेरे कंधों पर कितनी बड़ी जिम्मेदारी का बोझ है। मुझे इस शादी में होने वाले खर्चे से कोई डर नहीं लगता, मुझे बस ये रिश्ता पसंद नहीं है। लेकिन अगर आप में से किसी को कुछ समझ में नहीं आता तो कोई बात नहीं, आप लोग कीजिए सबको करना है। इस पे आप ही कहा क्या अम्बा जी, बल्कि इस पे क्या, मेरी सारी जिंदगी पे सबसे ज्यादा हक आप ही का है। अम्बा जी ये 16 तोला सोना, ये एसी टीवी कार फ्रिज वगैरह वगैरह कुछ नहीं है। अगर आप कहेंगी तो मैं दुनिया जहां की दौलत आपके कदमों में आके रख दूंगा, लेकिन बात पैसे की नहीं है, बात हेतल की जिंदगी की है। अगर फिर भी आपको लगता है कि आपका बेटा गलत बोल रहा है तो आप ये चेक मत रखिए, टुकड़े टुकड़े करके फेंक दीजिए इसे। जी इतना बड़ा होके रो रहा है जी। तू इधर आ, तो और कौन आ? ये ले श्रीनाथ जी के चरणों में लगाकर वापस लिया। यही हमारे घर की रीत है। ओके। अरे मोना रानी, ये किशमिश डालू इसमें इतने? बस। उससे क्या पूछ रहे हैं, मुझसे पूछिए ना, गृहस्थी तो मैं चलाती हूँ। हाँ पर कमाता तो उसका पति है ना, तो आगे जाके गृहस्थी इसी को तो चलानी है। मेरा बेटा ही तो इसका पति है। हाँ सीख जाएगी मोना भी गृहस्थी चलाना, और मुझे पूरा यकीन है जब चलाएगी तो मुझसे भी अच्छी चलाएगी अपनी गृहस्थी। हैं?